हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपका अपने चैनल किचन सफर में स्वागत करती हूं। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। दोस्तों, अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हो इन लड्डुओं को बनाइएगा तो ये लड्डू बहुत ही डिलीशियस बनेंगे और इसे बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, हम इस सामग्री में देख लेते हैं। हमने इसके लिए लिया है एक कटोरी बेसन और एक कटोरी थोड़ी सी कम चीनी और एक बाउल घी। कुछ इलायचियों को हमने कूट लिया है, ये 4-5 इलायची हैं। और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं हमने, सभी का रेशियो बराबर लिया है। हमने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी एक कटोरी चीनी और इसी कटोरी का हम एक तिहाई पानी लेंगे। दोस्तों, हम लड्डू में डालने के लिए तगार बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हम जब भी तगार बनाते हैं उसका एक तिहाई ही पानी लेते हैं। हम जितनी चीनी लेते हैं उसका एक तिहाई पानी लेते हैं और इसे हम चलाते हुए लगातार पका लेंगे। दोस्तों, अगर हम लड्डुओं में अगर हम चीनी डालते हैं, अगर कितनी भी हम उसे पीसते हैं लेकिन उसके दाने ख़त्म नहीं होते हैं, उसके क्रिस्टल जो होते हैं वो छोटे होते चले जाते हैं, जो हमारे दांतों में आते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और लड्डुओं का टेस्ट ख़राब हो जाता है। दोस्तों, अब इसे हम लगाते इसीलिए इसे आप लगातार चलाते हुए पका लें। अगर आप तगार बना लेते हैं तो हमारे लड्डू बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से पका लें उबाल आने तक। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर तगार हम बना रहे हैं और हमारी गंदी आती है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल दें। ये देखिए दोस्तों, हमारी भी चीनी काफ़ी गंदी आई है तो आप इसमें थोड़ा सा हम दूध डाल देते हैं और इसे इसमें उबाल आने देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें उबाल आ गया है। आप इसे चलाते हुए थोड़ा सा और उबाल आ दें और जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए और उसकी सारी गंदी चीनी झाग के रूप में बाहर आ जाए तब आप इसे एक चलने की सहायता से एक कटोरी में निकाल लीजिए ताकि हमारी चीनी साफ हो जाए। ये देखिए दोस्तों, हमने अपनी सारी गंदी चीनी को बाहर निकाल लिया है और हमारी चीनी अब कितनी साफ हो गई है। दोस्तों, हमारी ये जब चीनी साफ होगी तभी तो तगार अच्छा बनेगा और जब हमारा तगार अच्छा बनेगा तो हमारे लड्डू डिलीशियस बनेंगे। दोस्तों, मेन ट्रिक तो यही है कि हमें तगार को बहुत ही अच्छा और बहुत ही साफ बनाना है। ये देखिए दोस्तों, आप इसे लगातार चलाते हुए जमने की कंसिस्टेंसी तक पका लीजिए। अब आप इसमें एक चम्मच घी डाल दीजिए। दोस्तों, हम घी किस लिए डालते हैं? हम घी इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें डेरे नहीं पड़ते हैं, वो अपनी स्मूथनेस के कारण इसे एक नरम सा डो बना के रखता है। इसलिए आप इसमें एक चम्मच घी डालते हुए इसे लगातार अच्छे से पका लें, क्योंकि दोस्तों जब इसमें घी रहेगा तो उसमें एक नरमी सी रहेगी जो हमारे जो तगार है, जो हमने इसमें चीनी डाली है, वो इसे जमने नहीं देंगे जो एक डेले के रूप में होता है। तो आप इसे लगातार चला लें और इसे ठंडा कर लें। ये देखिए दोस्तों, हमारी चीनी जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी वही कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम इसे चलाते हुए अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, अब इसे लगातार चलाते हुए ठंडा कर लें। दोस्तों, तगार बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों की कंप्लेंट आती है कि इसमें डेले पड़ जाते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर डेले पड़ जाते हैं तो आप उसे ठंडा करने के बाद आप देखिए दोस्तों, हमारी भी जो हमने तगार बनी है इसमें आपको डेले जैसे लग रही है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप इसे थोड़ा सा रफली हो गया है तो आप इसे थोड़ा सा हिलाते हुए फोड़ते हुए अच्छे से मिला लें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसे एक बर्तन में निकाल के हल्का सा प्रेस करते हुए हल्का सा फोड़ते हुए निकाल लें और छलनी में अच्छे से छान लें। आपकी तगार अच्छे से नरम हो जाएगी और छोटे छोटे दाने हो जाएंगे। हमने देखिए दोस्तों, हमने तगार ऐसी हो गई, हमने इसे अच्छे से छान लिया था। आप देखिए अच्छी बनी है ना दोस्तों। अब हम कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख देते हैं। अब इसमें अपना घी डालेंगे और इसी में हम अपने ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। दोस्तों, आप लड्डुओं में बनाने के लिए जब भी ड्राई फ्रूट्स डालते हैं आप उसे घी में ज़रूर रोस्ट कर लें, क्योंकि दोस्तों लड्डुओं की जो सेल्फ लाइफ होती है वो काफ़ी होती है। अगर हम ड्राई फ्रूट्स को बिना भुने हुए डाल देते हैं तो उस ड्राई फ्रूट्स में थोड़ी सी भूपड़ी सी लग जाती है जो हमारे लड्डुओं को ख़राब कर देती है। इसलिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, चाहे वो किशमिश है, अरारोट है,
जो होता है हम जिसे क्रश करके डालते हैं या फिर किशमिश है, आप कुछ भी डालें उसमें थोड़ा सा रोस्ट करके डालें, उसकी उसका स्वाद भी बढ़ जाता है, वो काफ़ी अच्छी लगती है। अब हम इसी घी में अपना बेसन डाल देंगे। हम बेसन डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाते हुए पका लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा बेसन थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, हम इसमें अपना बचा हुआ घी भी डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने अपना बचा हुआ घी भी डाल दिया है। लड्डुओं को बनाने के लिए दोस्तों आप घी डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, और सिर्फ इतना ही घी डालें कि हमारा बेसन उसमें थोड़ा घुल सा जाए, क्योंकि दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना, जब आप इसे बार बार मिलाएंगे तो ये काफ़ी एक स्मूथ बैटर बन जाएगा, आपको ज़्यादा घी भी नहीं लगेगा, आप इसे बस अच्छे से मिलाते हुए पकाएं। और दोस्तों आपको बेसन भूनने का सारा प्रोसेस मीडियम लो फ्लेम पर करना है, अगर आप हाई फ्लेम पर करते हैं तो ये जल जाएगी जिससे इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, और आप मीडियम लो फ्लेम पर करते हैं तो इसकी जो स्मूथ सी खुशबू आएगी बहुत ही अच्छी होगी, और इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आएगा। अगर हमारे बेसन में कोई कच्चापन आता है तो हमारे गले से लगती है, तो हमारे लड्डू बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, सारी मेहनत ख़राब हो जाती है, इसलिए आप इसे मीडियम लो फ्लेम पर ही पकाएं। ये देखिए दोस्तों, हमारे बेसन का कलर अब चेंज होने लगा है, आप इसे लगातार चलाते हुए पका लें। दोस्तों वैसे तो हम लड्डू बनाने के लिए हमेशा मोटा बेसन लेते हैं, अगर आप नॉर्मल बेसन लेते हैं तो आप उसमें पानी की दो चार बूंदें डाल दीजिए। ये देखिए दोस्तों, हम पानी की जब इसमें बूंदें डालेंगे तो ये काफ़ी दानेदार हो जाएगा, अगर हम पानी की बूंदें डालने के बाद भी अगर थोड़ा सा पकाएंगे तो उसके दाने ख़त्म नहीं होते हैं, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं और दानेदार बन जाते हैं। ये हलवाइयों की ट्रिक है दोस्तों, अगर कोई भी बेसन लेते हैं तो पानी की बूंदें ज़रूर डालते हैं। दोस्तों देखिए, पानी की बूंदें डालने के बाद इसमें कितना फ़र्क आएगा, ये देखिए दोस्तों, हमने पानी की बूंदें डाल दी हैं, आप इसे थोड़ा सा आप मिला लीजिए। आप इसे लगातार चला लीजिए। ये देखिए दोस्तों, अभी थोड़े से आपको दानेदार लग रहे हैं ना, आप थोड़ा सा पानी और इसमें और डालते हुए इसे अच्छे से मिला लीजिए। अगर हम इसे बर्तन में ट्रांसफ़र करके ठंडा करें तो और भी जल्दी ठंडा हो जाएंगे। आप गरम बेसन में कभी भी अपनी तगार को ना डालें, क्योंकि जब हम गरम बेसन में अपनी तगार को डालते हैं तो ये मेल्ट होने लगती है, जिससे लड्डुओं में शेप नहीं आती है। इसीलिए सिर्फ बेसन को उतना ही ठंडा करें जिसमें आप इसे टच कर पा रहे हैं, इतना भी ठंडा ना करें कि हमारे लड्डू ही बिखर जाओ, इतना भी गर्म ना रखें कि हम इसे पकड़ ही ना सकें। इसलिए आप इसे ज़्यादा ना ठंडा, ज़्यादा ना गर्म, सिर्फ इतनी कंसिस्टेंसी में रखिए कि हम इसे टच कर सकें। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसमें अपनी तगार को डाल देते हैं, ये छूने की कंसिस्टेंसी में हो गया है, और अपने इलायचियों के पाउडर को, दोस्तों आप इलायची पाउडर ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और हलवाइयों से भी ज़्यादा टेस्टी आपकी बेसन के लड्डू बनेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, इसलिए आप इसे ट्राई ज़रूर करें। दोस्तों हमने अपने कटे हुए बादाम भी डाल दिए हैं, और अपनी काजुओं को हमने रख लिया है बाद में गार्निशिंग के लिए, आप इसे चम्मच की सहायता से मिला लें। और दोस्तों आपको लड्डू बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, और आप इसे ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए दोस्तों, लड्डुओं को बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसे पेड़े की तरह छोटा सा लिए और इसे गोल गोल घुमाते हुए अपने हिसाब से साइज को आप छोटा चाहे बड़ा कर सकते हैं, आप इसे गोल गोल घुमा लीजिए। ये देखिए दोस्तों, हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं, इसी तरह हम अपने सारे लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, कितने दानेदार लग रहे हैं, और इसे बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, आप इसी तरह सारे लड्डू बना लीजिए। ये देखिए दोस्तों, हमने अपने सारे लड्डुओं को तैयार कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, आपका सपोर्ट ही हमारे हौसलों को उड़ान देगा, इसलिए प्लीज़ गिव मी योर सपोर्ट, आप अपना सपोर्ट ज़रूर दें। और आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें।
दोस्तों अगर हम लड्डू बनाते हैं और जो भी आपके लड्डू खाएगा वो आपका फैन हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।